अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होगा और सबको ठीक होना भी चाहिए। बच्चों को लेके बाहर आए हुए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा घर में बोर हो रहे हैं, तो मैंने कहा उनको बाहर ले जाते हैं, थोड़ा सा हैप्पी हो जाएंगे, इन्जॉय कर लेंगे। और मैं भी सोच रही थी कि अपने होम टाउन का ना स्मॉल सा टूर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फाउंटेन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल था, बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे और ये काफ़ी ह्यूज भी था। आपको शायद कैमरे में छोटा लग रहा हो क्योंकि आप लोग कौन सा ओरिजिनल आंख से देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज भी था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। आमना अहमद तो वापस ही नहीं जा रहे थे, तो उनको ये कहा था कि आपको एक और सोसाइटी में लेके जाएंगे जहाँ पे मैं आपको ना मिनी जू, जहाँ पे बर्ड्स वगैरह होते हैं, मोर वगैरह होंगे, मंकी वगैरह होंगे, तो वहां पे लेके जाऊंगी। जिस सोसाइटी में हम फाउंटेन देखने आए थे ना, उस सोसाइटी का नाम था पर रेजिडेंशिया। उसके बिल्कुल नियर बाय एक और सोसाइटी बन रही है जहाँ पे उन्होंने मिनी साहब ये कह लें कि बर्ड्स का, मंकी वगैरह थे, वहां पे जू बनाया हुआ था बच्चों के लिए। तो हमने सोचा हम बाहर तो आए हैं आमना अहमद को लेके, तो चले आज यहाँ का भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी सोसाइटी का काफी वर्क रहता है, काफी कंस्ट्रक्शन रहती है, और जब ये रेडी होगी ना तो ये सोसाइटी कमाल की लगेगी। और जब ये रेडी हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह इसको दोबारा एक्सप्लोर करेंगे, बच्चों को लेके आएंगे और आप लोगों को भी जरूर दिखाऊंगी। और हमने अपने होम टाउन में ही द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख लिया है, जो न्यूयॉर्क यूएसए में बनाया गया है। इसके बारे में तो ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बहुत बड़ा एक हॉल बनाया गया है जहाँ पे ये डिफरेंट तरह के छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, जिसमें पैरट आपको नजर आ रहे हैं, पिजन नजर आ रहे हैं, यहीं पे हेंस भी आपको आगे जाकर मैं दिखाऊंगी, हिरन भी हैं यहाँ पे, और पीकॉक वगैरह वो भी आपको यहाँ पे सब कुछ नजर आएगा। सबसे ज्यादा जो क्यूट है ना, ये बेबी लगे हैं हमें, जो मंकी के हैं, छोटे छोटे से बेबी टाइप थे, लेकिन बहुत ज्यादा शरारती थे। वहां पे जितनी फैमिलियां आई हुई थी, बच्चे थे ना, सब इनकी शरारतों से काफी इंजॉय कर रहे थे। और बस टाइड होके घर आ गए थे, बहुत ज्यादा मैं थक गई थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। तो हमने वहीं से ऑर्डर दे दिया था कि जब तक हम घर जाएंगे तो ये ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, मुझे भी, बच्चों को भी। तो सी कबाब थे, पीसीस वगैरह मंगवा लिए थे, रोटी थी, ड्रिंक वगैरह थी।
आज मेरा काफी मीठा खाने को दिल कर रहा था, लेकिन मीठा खाने में सिर्फ एक ही चीज खाने को दिल कर रहा था, गुलाब जामुन, जो मेरी मोस्ट फेवरेट स्वीट है। इसके अलावा मुझे स्वीट में कुछ भी नहीं पसंद। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे, तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब किया करें। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।